आईपीएल के चक्कर में यूपी के बस कंडक्टर ने किया इतना बड़ा खेल, अब जाना पड़ सकता है जेल। सवारियों से लिया पैसा, उन्हें टिकट भी दिया, फिर भी किया ऐसा घपला, बिठा दी गई बड़ी जांच। लखनऊ के एक बड़े बस अड्डे का कंडक्टर की फाइल योगी की पुलिस क्यों खोलने वाली है, सुनिए। लखनऊ के केसरगंज में एक डिपो है जहां काम करने वाला बस कंडक्टर पंकज तिवारी दूसरा हर्षद मेहता बनने की कोशिश करता है। और कहानी इतनी बड़ी है कि सुनकर आपको भी लगेगा कि ऐसा दिमाग कौन लगाता है यार। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कंडक्टर पंकज तिवारी रोडवेज बस से दिल्ली पहुंचता है। रास्ते में हर सवारी से पैसे लेता है, बदले में उन्हें टिकट देता है। दिल्ली से सीधा बस देहरादून जाती है, वहां से लौटकर वो अपने हेड को रिपोर्ट देता है। करीब 65,000 रुपए उसके बैग में होते हैं, जिसे वापस केसरगंज लौटने के बाद वो जमा नहीं करता, बल्कि उन पैसों को आईपीएल में लगा देता है। वहां वो पैसा हारता है या जीतता है ये किसी को नहीं पता, लेकिन जब उस पर पैसा जमा करने का दबाव बनता है तो 10 दिन बाद वो उसे जमा करवा देता है। और इसके बाद असली खेल का खुलासा होता है, अंदर खाने ये बात सामने आती है। केसरबाग बस स्टेशन इंचार्ज एस के गुप्ता की भी मिली भगत सामने आई है। ये उन्हीं की जिम्मेदारी होती है कि पैसे सही समय पर बैंक में जमा हो, लेकिन उन्होंने मामले को कई दिनों तक दबाए रखा। कहा ये तक जा रहा है कि पंकज तिवारी अक्सर ऐसा ही करता है, तो सवाल है कि क्या इसकी नौकरी पर अब खतरा मंडरा रहा है। आखिर जिन पैसों को तुरंत सरकारी खजाने में जमा होना चाहिए, उन्हें अपने निजी काम में कोई कर्मचारी कैसे लगा सकता है। इस किस्से को सुनने के बाद लोगों को हर्षद मेहता की कहानी याद आ रही है, जब एक स्टॉक ब्रोकर ने देश के बैंकों को अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दिया था। लोग जो पैसा बैंकों में जमा करते थे, वो पैसा वो बैंक से 15 दिनों के लिए ले लेता था, उन्हें शेयर मार्केट में लगा देता था, और जब शेयर मार्केट से पैसा कमा लेता था तो 15 दिनों में उसे वापस से जमा करवा देता था। बैंक वालों को ज्यादा कमीशन देता था, इसीलिए बैंक वाले भी उसे मना नहीं कर पाते थे। पर इसका असली खेल तब खुला जब उसने बड़े लेवल पर ऐसा करना शुरू किया और उसे घाटा होना शुरू हो गया। तब बैंकों का पैसा वो समय पर जमा नहीं करवा पाया, पुलिस ने गिरफ्तार किया और सारे राज खुल गए। ये सारी कहानी स्कैम 1992 नाम की वेब सीरीज में बड़े विस्तार से दिखाई गई है। हर्षद मेहता के बारे में कहा जाता था कि उसने सिस्टम की कमजोरी का बड़ा फायदा उठाया था, पर कंडक्टर वाले केस में ऐसा नहीं लगा, क्योंकि नियम के मुताबिक जो भी सरकारी बसें आपको सड़कों पर चलती दिखती हैं, उन सभी के कंडक्टर बस डिपो में लौटते ही अपने इंचार्ज को जमा करवाते हैं। वहां से ये पैसे बैंक तक पहुंचते हैं और सबके लिए साफ निर्देश है कि कोई भी अपने पास पैसा नहीं रखेगा। बावजूद इसके बस कंडक्टर ने इसकी शह पर ऐसा किया, इसकी जांच होनी चाहिए। क्या ये खेल यूपी में बड़े लेवल पर चल रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि एक मामला खुलने के बाद कई और ऐसे ही मामले सामने आने लगते हैं, पर इस मामले में सच्चाई क्या है, इसका खुलासा करना पुलिस का काम है। लेकिन हमारी सलाह ये है कि आप सट्टेबाजी से कोसों दूर रहें, थोड़े से लालच के चक्कर में गलत कदम ना उठाएं, वरना पुलिस तो पकड़ेगी ही, परिवार में भी परेशानी बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।